सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप HCL टेक्नोलॉजीज में कितने दिनों से काम कर रहे हैं? एज अ सीनियर एनालिस्ट। के टाइम पर जैसे नौकरी के लिए बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, तो अगर किसी को नौकरी चाहिए तो क्या क्या तरीके हैं, मतलब जिसके थ्रू वो जल्दी से जल्दी नौकरी पा सके? ओके, तो जो सेकंड राउंड में उससे रिलेटेड डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एज एन फ्रेशर लगभग कितनी सैलरी जो है मिल जाती होगी? एज ऑफ इंटरव्यूज टिप्स आप क्या देना चाहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके इतने सारे कमेंट मिले थे मुझे कि मैम HCL का एक इंटरव्यू लीजिए, तो आप लोगों की डिमांड पर मैं एक और इंटरव्यू लेकर के आई हूँ HCL टेक्नोलॉजी का। मेरे साथ हैं अंकित मिश्रा जी, जो कि बहुत ही छोटे शहर से आते हैं, और छोटे शहर से आने के बावजूद भी इन्होंने अपना करियर जो है HCL जैसी बड़ी कंपनी में बनाया है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट है, क्योंकि जो मेरे साथ अंकित जी हैं, इन्होंने इससे पहले एयरपोर्ट पे भी काम किया था। तो इस पार्ट में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपना करियर HCL टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कितनी सैलरी जो है एज एन फ्रेशर आपको मिल सकती है, किस तरीके से आप HCL टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर, जैसे कि मैं आपका नाम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप HCL टेक्नोलॉजीज में कितने दिनों से काम कर रहे हैं? लास्ट टू मंथ्स। टू मंथ्स, यस। ओके, बेसिकली सर किस पोस्ट पर काम करते हैं? एज अ सीनियर एनालिस्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस प्रोफाइल में काम एग्जैक्टली क्या करना होगा? एग्जैक्टली हमारे पास USA से कॉल आती है, अब आया टेलीफोन है, तो उसमें यूजर्स के जो टेक्निकल्स इश्यूज होते हैं, तो बेसिकली हम उस इश्यूज को रेक्टिफाई करते हैं पहले, देन हम उस इशू को रिजॉल्व करते हैं। ओके, यस। और जैसे बहुत सी इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे एंड से नहीं होते हैं, तो हम उस इश्यूज को अनदर टीम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो जैसे सर बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, तो आज के टाइम पर जैसे नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, तो अगर किसी को नौकरी चाहिए तो क्या क्या तरीके हैं, मतलब जिसके थ्रू वो जल्दी से जल्दी नौकरी पा सके? सबसे पहले तो ये है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारा एजुकेशन है, वो हम मतलब अच्छे से पढ़ाई करें, और जो हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हम उस पर फोकस करें, और जो टेक्निकल स्किल्स हैं हम उसको डेवलप करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सपोज naukri.com हो गया, तो उस पर हम अपना रिज्यूम अपडेट करें, और उसमें जो भी नंबर्स है या जो भी डिटेल्स है वो एग्जैक्टली राइट डिटेल्स जो है फिल करें, जिससे कि जो भी कंपनीज़ जो है हायर करती हैं, हायरिंग करती हैं, तो वो उसमें जो डिटेल्स है वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएँ। देन कांटेक्ट करने के बाद वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं है, बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होगा, देन आफ्टर इंट्रोडक्शन सेकंड राउंड में आपका टेक्निकल राउंड होगा, जिसमें टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, देन फर्स्ट लास्ट राउंड होगा जो HR जो सैलरी से रिलेटेड होगा, सैलरी और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपकी क्या शिफ्ट होगी, आपका कौन सा लोकेशन होगा, ये थर्ड राउंड में बताया जाता है। ओके, आपने उनसे सब्जेक्ट से बीटेक किया है? मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। ओके, तो जो सेकंड राउंड में उससे रिलेटेड डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बेसिक क्वेश्चंस पूछे? सेकंड राउंड में एज अगर फ्रेशर है बंदा तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर एज एक्सपीरियंस है तो उससे थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। अच्छा, एज एन फ्रेशर लगभग कितनी सैलरी जो है मिल जाती होगी? एज अ फ्रेशर डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, मैक्सिमम 3.6 LPA। कैब हो गई, या आपका होम अलाउंस हो गया, या फिर फूड अलाउंस हो गया, ये सब मिलता है। ओके, और जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो लगभग कितना सैलरी पैकेज मिल जाएगा? एक्सपीरियंस्ड डिपेंड करता है कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो एक कैटेगरी होती है, जैसे इसमें E2, E1, E3, E4, E5 ये बैंड्स होते हैं, तो जैसे सपोज बंदा कोई भी कैंडिडेट है वो 3 साल एक्सपीरियंस है, तो उसको E2 बेस में रखा जाता है, तो E2 बेस की जो बेसिक सैलरी है वो है 4.2 LPA।
Yes. और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक बेसिक क्वेश्चन, जॉब सिक्योरिटी कैसी रहती है एज एन इंजीनियर? जॉब सिक्योरिटी अगर हम किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम पेरोल पे जा रहे हैं तो पेरोल पे जॉब सिक्योर रहती है, और हम अपना जैसे हम टेक्निकल जो हमें वर्क दिया जाता है, जो टाइमिंग होती है, हम उस पर अपना टाइमिंग पे काम करते हैं, और हमें उससे हमारा एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है जब हम किसी काम को अपने टाइमिंग से फिनिश कर देते हैं। ओके okay. एक आपसे और जो है अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी, इंटरव्यूज टिप्स आप क्या देना चाहेंगे, खास करके जिन्होंने बीटेक की है या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया है, उनके लिए क्या इंटरव्यू टिप्स आप देना चाहेंगे? इंटरव्यू टिप्स, सपोज आपको सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट्स थे आपको उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और यूट्यूब है आपके पास, आप वीडियोस देख सकते हैं, आपके पास सबसे पहले लैपटॉप होना चाहिए, आप उस पर सपोज अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग कर सकते हैं, सी है, जावा है, पाइथन है, मोर देन लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड्स बना सकते हैं, और उस कमांड्स के बनाने के बाद हमें इंटरव्यू बहुत ईजी हो जाता है। ओके सर, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं डायरेक्टली बीटेक करने के बाद जॉब ढूंढते हैं, तो इस तरीके की प्रोफाइल में इंटर्नशिप क्या रोल प्ले करती है? इंटेंसिव इज अ गुड थिंग, बिकॉज इंटेंसिव के थ्रू कोई भी कंपनी जो है इजी हायर कर लेती है, बिकॉज उसको पता रहता है कि बंदे ने टेक्निकल्स पे काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड हो जाती हैं। ओके एक और बेसिक क्वेश्चन जो कि मैं हर एक इंटरव्यू जिनका भी लेती हूँ उनसे पूछती हूँ, क्या इस नौकरी के लिए कोई पैसे देने होते हैं? नहीं नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पैसे दो, पैसे नहीं देने हैं, पैसे देने का मतलब होता है कि हम घूस दे रहे हैं एक तरह से, तो हम विदाउट पे जॉब को ही सर्च करें, और कोई भी कंपनी पे नहीं करती है, ये सब फेक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्राई करें कि अपनी स्किल्स पे काम करें और उसके हिसाब से अपनी कंपनी को चूज करें। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक, वो लोग एक दो महीने जो है वेट करते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उनको आप क्या एक ऐसी चीज़ बोलना चाहेंगे जो जिससे वो मोटिवेट रहें और आगे जो है अपनी नौकरी ढूंढते रहें? एज अ फ्रेशर अगर बंदा कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसने बीटेक या कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसको कोई भी एक छोटी सी कंपनी जॉब टेक ओवर करने लेनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि सबसे पहले उसका फ्रेशर का टैग हट जाता है और उसके बाद उसको नॉलेज हो जाती है काफ़ी, तो उसके बाद वो बड़ी अच्छी कंपनी में जैसे सपोज SCL ज्वाइन कर सकता है, और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, एक्सेंसर है, तो बहुत सी कंपनी TCS है, तो वो ज्वाइन कर सकता है इसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और गाइज आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसी तरीके की वीडियो के लिए आपका अपना YouTube चैनल jobnow247.com को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार जॉब वैकेंसी के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।